प्रेमी जनों, भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर, पंडित जी और लंगड़ा दोनों की दिव्य कथा श्रवण कीजिए। आनंद आएगा। हर हर महादेव। हो भज शिव शंकर, भज ओंकारा, महादेव भव भंजन हारा। रचयिता लीलाधारी हो, तीनों लोक हिले और डोले जब डम 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 रू बोले। प्रेमी जनों, एक पल में पूरी सृष्टि का संहार करने वाले भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा सुनी, एक भक्त के प्रेम और लगन की कथा सुनी। हो शिव शंकर की महिमा भारी, वरदानी भोले भंडारी। शंकर की महिमा गाऊं, सच्ची एक कथा बतलाऊं। किसी का आना जाना। प्रेमी जनों, एक भयंकर जंगल में पुराना शिवालय था, जहां एक पंडित जी नित्य पूजा करते थे, वहीं एक लंगड़ा भी रोज जाता था। हो जंगल बीच था एक शिवालय, महादेव जी का देवालय। करके चला जाता था। हो बचपन में आ गया बुढ़ापा, नियम से वो प्रतिदिन था आता।
भक्त जनों। उस मंदिर में पंडित जी भी रोज जाते थे, एक लंगड़ा भी रोज जाता था, दोनों अपना नियम निभाया करते थे। हो एक नास्तिक उसी गांव का, दिन वो भी मंदिर जाए, वो भी अपना नियम निभाए। कमाल यह है कि पंडित जी जो भी चढ़ाते थे शिवलिंग पे, लंगड़ा सब उठा के फेंक देता था। ओ बेलपत्र फल फूल उठाकर लंगड़ा फेंक के आता जाकर। किसकी है ये करनी सारी। पुजारी जी बड़े परेशान हैरान आश्चर्यचकित रहते थे कि मेरे सिवा तो कोई यहाँ आता नहीं, फिर ये करनी कौन करता है। हो पंडित की कुछ समझ न आए, कौन फल फूल फेंक के जाए। चढ़ाने लंगड़ा जाता उसे उठाने। ओ पंडित जाता करके के उलट वो करता दूजा। अच्छा
अच्छा कमाल की बात यह है कि पंडित जी जो करें उसका उल्टा लंगड़ा करते, और पंडित जी को कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। हो भक्तजनों, पंडित जी अपना धैर्य नहीं छोड़े और लंगड़ा अपना कर्म न छोड़े, दोनों अपना नियम निभाते थे। आइए एक रोज की बड़ी रोचक कहानी बताता हूँ आप सबको। हो तेज चली आंधी तूफानी, बादल गरजे से पानी, तूफान चले, खूब बादल गरजे, पानी बरसा, सूर्य देव भी नहीं दिखाई दिए, ताल तलैया भर गई और पंडित जी भी घर से नहीं गए मंदिर। हो घर से ना निकला वो पुजारी, घर में कर ली पूजा सारी, लंगड़ा अपनी हिम्मत नहीं हारा,
और वह मंदिर पहुंचा। शिव मंदिर में जब देखा तो कुछ चढ़ा ही नहीं था। आगे की कथा श्रवण कीजिए। हो चली आंधियां बरसे पानी, उस लंगड़े ने हार न मानी। जय पहुँच गया वो शिव मंदिर में, जाके देखा जब अंदर जनों। शिव मंदिर में बैठे बैठे लंगड़ा सोचने लगा कि आज तो मेरे फेंकने के लिए कुछ चढ़ा ही नहीं है, मैं अपना नियम कैसे तोड़ दूं। यही सोचते सोचते उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हो लंगड़ा बैठ के सोच रहा के मैं ना जाऊं, चाहे यहीं पे रात बिताऊं। सुवन की धारा भक्तजनों, लंगड़ा शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। मन में यह भाव था कि बेल पत्र न सही तो घंटा ही आज फेंक कर जाऊंगा। चढ़ गया लंगड़ा शिव के ऊपर, लटका घंटा देखे छूकर। भोले
लंगड़ा जैसे ही शिवलिंग पर चढ़कर घंटा खोलने लगा, प्रेमी जनों साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, ओ लंगड़े से बोले शिव शंकर, सच्ची भक्ति है तेरे अंदर, हो फूल पत्र तो सबने चढ़ा, सा भक्त न पाया, जय महादेव जय जय महाकाल, अद्भुत महिमा बड़ी विशाल, तूने अपना नियम निभा के भक्ति दिखाई स्वयं चढ़ा के, प्रेमी जनों भगवान भोलेनाथ ने कहा, फल फूल बेल पत्र तो दुनिया चढ़ाती है, तुमने तो स्वयं को चढ़ा दिया मुझ पर, क्या वरदान चाहते हो बेटा? हो जनों वह लंगड़ा कोई साधारण पुरुष नहीं था, उसने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान दे दो, मुझे तो तुम्हारे दर्शन मिल गए। हो ठीक हो गई उसकी टांगे, बिन कुछ बोले बिन कुछ मांगे, कुछ दे गए अंतर्यामी, शंकर जी की महाकाल। भक्तजनों
भगवान भोलेनाथ पंडित जी और लंगड़े की यह पावन कथा आप सबने श्रवण की, बाबा सबका कल्याण करें। हो नाथ दया सुख देव पे करना, पल पल प्रेम की झोली भर। सदा
शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।